हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक कंटेंट लाया हूँ वो एक कल का एक मेजर न्यूज़ जो मार्केट के बाद आया था फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, ब्रेकिंग न्यूज़ बूस्ट फॉर बैंकिंग सेक्टर। ऐसा एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जिसने बैंकिंग सेक्टर को ऑलरेडी कल मार्केट में एक सवा घंटे के ड्यूरेशन में, जब मार्केट रीओपन हुआ था करीबन 4:45 बजे और 5 बजे तक मार्केट चला था, यानी कि सवा घंटे के ड्यूरेशन में बैंकिंग सेक्टर में हमने देखा कितनी बड़ी हलचल हुई थी और कितनी बड़ी रैली आई थी बैंक निफ्टी में। साथ ही और एक ऐसा एक पोर्टफोलियो लाया हूँ, निफ्टी 50 का पोर्टफोलियो। ऐसे कुछ 12 स्टॉक्स लाया हूँ जो अभी तक निफ्टी 50 से बाहर नहीं निकले सिंस निफ्टी वॉज क्रिएटेड, सिंस 1999। ये स्टॉक्स अभी तक निफ्टी 50 का हिस्सा है, एक बार भी ये निफ्टी 50 के ये स्टॉक्स बाहर नहीं गए हैं। ऐसे 12 स्टॉक्स का आपके लिए पोर्टफोलियो लाया हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में ऐसे कई सारे इंटरेस्टिंग्स आपको मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, पहले ही वीडियो की शुरुआत में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ छोटी लर्निंग्स मिले और वीकली ऐसे 7 से 8 बड़े वीडियोस मिले जिससे आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों बेहतर हो सके। सबसे पहले नए सब्सक्राइबर्स को अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड ऑथराइज पर्सन हूँ सिंस 2010, एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टॉपमोस्ट ब्रोकिंग फर्म्स इन इंडिया, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, म्यूचुअल फंड मैनेजर, SIP मैनेजर, एडवाइजरी प्रोडक्ट्स है काफ़ी सारे हमारे कंपनी के, और हमारी कंपनी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है क्लाइंट्स के लिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इन दिस वीडियो वी विल सी द डिटेल न्यूज़ विच केम यस्टरडे इवनिंग रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। डिटेल में आपको इस न्यूज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगा। दिस न्यूज़ हैज़ गिवन मेजर बूस्ट टू बैंकिंग सेक्टर एंड विल हेल्प इन ड्राइविंग द मार्केट फर्दर इन अपसाइड डायरेक्शन, जो कल भी हमने देखा आज भी हमने देखा। ऑल्सो वी विल सी द मेजर बैंक्स विच विल गेट द बेनिफिट ऑफ दिस न्यूज़। लास्टली वी विल सी 12 स्टॉक्स विच हैज़ नेवर केम आउट ऑफ निफ्टी 50 टिल डेट सिंस निफ्टी 50 वॉज क्रिएटेड सिंस 1999। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के जो टॉप वेटेज स्टॉक्स है, टॉप 10 वेटेड स्टॉक्स, उसके बारे में आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, HDFC, ICICI बैंक, TCS, कोटक महिंद्रा बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और एक्सिस बैंक, ये टॉप 10 स्टॉक्स है जो निफ्टी का मेजर वेटेज लेते हैं। अब निफ्टी 50 के वेटेज के सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे पहले 38.10% के आसपास। तो कह सकते हैं निफ्टी 50 का जो मेजर वॉल्यूम है वो NBFC और बैंकिंग सेक्टर से आता है, यानी बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंकिंग से आता है। अब कल के न्यूज़ की बात करें, कल का न्यूज़ एग्जैक्टली क्या था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंसड ऑन वेनसडे February 24 दैट द सेंटर हैज़ लिफ्टेड एम्बार्गो ऑन ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस टू प्राइवेट बैंक्स। अब एम्बार्गो का अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा तो रिस्ट्रिक्शन, दूसरा वर्ड हम कह सकते हैं। अब तक जितने भी गवर्नमेंट्स के मेजर प्रोजेक्ट होते थे उसमें कुछ ही गुने चुने बैंक्स को पार्ट लेने का प्रॉपर मौका मिलता था और उसमें उस डेवलपमेंट में फाइनेंस करने का मौका मिलता था। लेकिन कल के दिन पे अब रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया है, अभी सभी प्राइवेट बैंक्स इस पर्टिकुलर जितने भी गवर्नमेंट के मेजर प्रोजेक्ट्स आएंगे उसमें हिस्सा ले सकते हैं और उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो ये बहुत बड़ा बूस्ट है बैंकिंग सेक्टर के लिए कि अब प्राइवेट बैंक्स भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन फर्दर स्टेटेड दैट ऑल द बैंक्स कैन नाउ बी इक्वल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यानी कि पहले गिने चुने बैंक्स इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करते थे, लेकिन अभी सभी बैंक्स इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं आने वाले समय में। एम्बार्गो लिफ्टेड ऑन ग्रांट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेसेस टू प्राइवेट बैंक्स, ऑल द बैंक्स कैन नाउ पार्टिसिपेट, प्राइवेट बैंक्स कैन नाउ बी इक्वल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फर्दर गवर्नमेंट सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एंड एनहांसिंग कस्टमर कन्वीनियंस, द फाइनेंस मिनिस्टर ट्वीटेड। यानी कि ये जो न्यूज़ आया था वो उन्हें ट्वीट किया था और उसी हिसाब से ये पूरा आपके सामने न्यूज़ लाया गया है। विद द लिफ्टिंग ऑफ सेड एम्बार्गो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कैन नाउ कैरी आउट गवर्नमेंट रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजेक्शन सच एज टैक्सेज एंड अदर रेवेन्यू पेमेंट फैसिलिटीज, द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज स्टेटेड इन अ प्रेस रिलीज ऑन वेनसडे। यानी कि टैक्सेज के बारे में, रेवेन्यू पेमेंट फैसिलिटीज़ के बारे में प्राइवेट बैंक्स भी अभी हिस्सा ले सकती है और ये जो सर्विसेज है प्राइवेट बैंक्स भी आपको नॉर्मल रिटेल कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकती है। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के जो मेजर स्टॉक्स है, ये कल का क्लोजिंग है निफ्टी का, जितने भी स्टॉक्स का आप क्लोजिंग दे रहे हैं ये कल का क्लोजिंग है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, RBL बैंक, फेडरल बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, SBI, कोटक, PNB, इंडसइंड और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये टॉप 12 या टॉप 10 कह सकते हैं ये बैंक्स है जो बैंक निफ्टी का मेजर वॉल्यूम लेती है। तो इसमें से आप एज़ पर योर रिस्क एपेटाइट, एज़ पर योर
कैपिटल और एज पर योर ट्रेंड आपको जो लग रहा है वैसे स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छे से अपराइज होने वाले हैं और काफ़ी अच्छे से आपको रिटर्न देंगे। अब जैसे मैंने कहा था, मैं आपको ऐसे 12 स्टॉक्स आपको बताऊंगा जो निफ्टी 50 का हिस्सा रहे हैं फ्रॉम द डे वन। अब तक वो निफ्टी 50 के बाहर एक बार भी नहीं निकले सिंस 1999, ऑलमोस्ट कह सकते हैं 21-22 साल हो गया ये स्टॉक्स एक बार भी नहीं निकले। तो सबसे पहला स्टॉक है वो टाटा स्टील। टाटा स्टील एक बढ़िया स्टॉक है जो एक बार भी अभी तक निफ्टी 50 से बाहर नहीं हुआ है। इसके अगर 52 वीक लो की बात करें तो करीबन 200-250 के आसपास था इसका 52 वीक लो, और इसका अगर हाई की बात करें तो 753 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। टाटा मोटर्स दूसरा स्टॉक, दूसरा एक टाटा ग्रुप का स्टॉक्स, और जितने भी टाटा ग्रुप के स्टॉक्स है वो बहुत ही रिलायबल है, लेकिन कंसोलिडेशन काफ़ी करते हैं, आप में होल्डिंग कैपेसिटी उतना होना चाहिए। और टाटा मोटर्स बाय डिफ़ॉल्ट इस समय काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले 2-3 साल में इंडिया में लॉन्च होने वाले और टाटा मोटर्स उसका फ्रंट रनर है। टाटा मोटर्स की बात करें 52 वीक लो 63 के आसपास है, और 52 वीक हाई की बात करें तो करीबन 341 के आसपास इसका 52 वीक हाई है, जो कभी भी आने वाले 1-2 हफ्ते में ये 52 वीक हाई अपना तोड़ने के चांसेस लग रहे हैं। तीसरा जो स्टॉक है वो L&T, काफ़ी स्लो चलता है, लेकिन अगर जिन्होंने इसके लॉन्ग टर्म होल्ड किया है, ये ऐसा स्टॉक है जिसने 10 बार बोनस दिया है, 25 बार डिविडेंड दिया, और इस पर मैंने एक वीडियो भी मेरे चैनल पे मिलेगा आपको, 10 टाइम्स बोनस 25 टाइम्स डिविडेंड मल्टी बैगर स्टॉक, ये टाइटल से मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। जिन लोगों ने ये स्टॉक्स को काफ़ी समय तक होल्ड किया है, कह सकते हैं 5-10 साल में, उनको पूछे कितना अच्छा रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने, करीबन कितना बोनस दिया है, कितना डिविडेंड दिया है। एक शॉर्ट टर्म के लिए या मीडियम टर्म के लिए स्टॉक शायद आपको इतना रिटर्न नहीं देंगे, लेकिन जितना आप लॉन्ग टर्म होल्ड करेंगे ऐसे स्टॉक्स को, वो काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा। और इस समय ये जो बजट आया है, ये बजट इंफ्रा के लिए काफ़ी अच्छा सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद जो निफ्टी 50 के बाहर अभी तक नहीं गया है वो स्टॉक है ITC। ITC हम सभी जानते हैं बहुत ही स्लो चल रहा है, काफ़ी कंसोलिडेशन कर रहा है, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। सपोज़ कीजिए आपने अपना पूरा कैपिटल ITC में डाल दिया होता तो आपका पूरा कैपिटल फंस जाता है, या फिर शायद नेगेटिव भी होता आपका पोर्टफोलियो। इसीलिए कहते हैं डाइवर्सिफाई कीजिए, जितना भी कैपिटल है उसको 10-15% एज़ पर द सेक्टर, एज़ पर द मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कीजिए और हमेशा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। लेकिन ITC एक बढ़िया स्टॉक है जो अभी तक निफ्टी 50 के बाहर नहीं गया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक बाय डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं जितनी भी पब्लिक सेक्टर्स बैंक है उसमें से सबसे ज़्यादा अगर बढ़िया रिटर्न किसी ने बैंक ने दिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने दिया, लेकिन कंसोलिडेशन काफ़ी करता है। इसके अगर 52 वीक लो की बात करें तो करीबन 150 के आसपास था, और 52 वीक हाई की बात करें तो करीबन 428 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। इसके बाद जो स्टॉक अभी तक निफ्टी 50 के बाहर नहीं गया है वो रिलायंस इंडस्ट्री बाय डिफॉल्ट पहले दिन से अभी तक निफ्टी 50 का हिस्सा है, और इस समय आज ही के दिन पे इसने करीबन 4% का रैली दिया है, और अब ये रैली में पार्टिसिपेट इसने चालू किया है, ये बुलिश रैली में। काफ़ी टाइम लग गया इसको रैली में पार्टिसिपेट करने का, लेकिन आने वाले समय में ये स्टॉक आपको 2500 के ऊपर दिखा सकता है। अगर आप इसे 3-6 महीना होल्ड करते तो आराम से ये आपको 2500 का रेट दिखा सकता है ये स्टॉक। इसके बाद है ICICI बैंक। ICICI बैंक एक बेहतरीन कह सकते हैं प्राइवेट बैंक है, जैसे HDFC बैंक है, और ICICI बैंक का अगर 52 वीक लो की बात करें तो करीबन 268 के आसपास है, और अगर 52 वीक हाई की बात करें तो करीबन 680 का इसका 52 वीक हाई है। तो और इसका जो कह सकते हैं आने वाला तीन महीने का जो टारगेट है वो आराम से आपको 750 प्लस ये स्टॉक दिखाएगा। अगर इसमें कोई कह सकते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर प्रॉब्लम नहीं आया तो ये स्टॉक आने वाले समय में आपको 750 का रेट आराम से दिखा सकता है। बजाज ऑटो एक बेहतरीन स्टॉक ऑटो सेक्टर का, जैसे टाटा मोटर्स है, और शायद कई इन्वेस्टर्स को ये महंगा स्टॉक लग रहा है, लेकिन जिन इन्वेस्टर्स ने इसको होल्ड किया है उनको पूछिए कितना अच्छा रिटर्न दिया है। 52 वीक लो की बात करें तो करीबन 1760 के आसपास है, और 52 वीक हाई की बात करें तो 4300 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। बेहतरीन स्टॉक है, डेप फ्री स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, डेप फ्री स्टॉक है ये। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ मेटल का सेक्टर का कह सकते हैं एक अंडरडॉग कह सकते हैं, लेकिन इतना ही अच्छा रिटर्न हमेशा इसने अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। 52 वीक लो की बात करें तो करीबन 84 के आसपास है, 52 वीक हाई की बात करें तो करीबन 350 के आसपास इसका 52 वीक हाई है। HDFC बैंक कह सकते हैं अगर बैंकिंग सेक्टर में, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में किसी को पहला नंबर देना है तो वो HDFC बैंक। इसके अगर 52 वीक लो की बात करें तो करीबन 738 के आसपास है, और 52 वीक हाई की बात करें तो 1641 के आसपास है। बेहतरीन स्टॉक है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, और आने वाले समय में ये अगर आप इसे 1 साल तक होल्ड करते हैं तो शायद ये 2500-3000 का रेट भी आपको दिखा सकता है ये स्टॉक।
उसके बाद है HDFC। ऑलरेडी मैंने HDFC को काफ़ी सारे मेरे वीडियोस में रिकमेंड किया है, 2400 के लेवल पे, 2500 के लेवल पे। मैंने इनफैक्ट 2700 भी रिकमेंड किया था जब ये ऑलमोस्ट 52 वीक हाई पे था। इसका अगर 52 वीक हाई देखे तो करीबन 2896 का है, और अगर लो की बात करें तो 1475 का है। और ये कह सकते हैं इस समय मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नंबर वन पे आ रहा है, इवन रिलायंस को इसने क्रॉस किया है। तो HDFC को मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा, भले स्मॉल क्वांटिटी, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में हमेशा इसे इस स्टॉक को बनाए रखें। इसके बाद है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक साल से अगर हम देखें तो काफ़ी सारा कंसोलिडेशन कर रहा है, कुछ रिटर्न नहीं दिया अपने इन्वेस्टर्स को, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इस स्टॉक को डिस्कार्ड करें, स्टॉक में बने रहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है, शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में इस समय नहीं लग रहा है कि आपको रिटर्न मिलेगा इतना अच्छा, लेकिन लॉन्ग टर्म के व्यू से हिसाब से देखें तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, डेप फ्री स्टॉक है, और FMCG में अगर जायंट के स्टॉक को कहा जा सकता है तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर को कहा सकता है। तो ये कुछ 12 स्टॉक्स मैं लाया था आपके लिए, और ये ऐसे 12 स्टॉक्स हैं जो अभी तक निफ्टी 50 से बाहर नहीं गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया। आपके स्क्रीन पे इस समय आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटी में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है, ट्रेडिंग करना है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि दिन में 2 बार कुछ ना कुछ छोटी लर्निंग्स मिले, और वीकली 7 से 8 बड़े वीडियोस मिले, जिससे आपका स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों बेहतर हो सके। थैंक यू।